साक्षी अंजलि क्लास स्टार्ट करना है या वेट करना है? साक्षी अंजलि यस मैम क्लास स्टार्ट करें या रुकना है थोड़ी देर? मैम थोड़ी देर रुक जाओ ना, लेट हो चुकी है। टू मिनट्स वेट करेंगे, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। हाँ मैम कर दीजिए, ठीक है। एक तो नेट भी स्लो चल रहा है, तो ज्वाइन के लिए भी पता नहीं क्या हो रहा है, इसका कनेक्शन लूज हो रहा है। वो पहले क्या देखा था हमने उस दिन, क्या देख रहे थे हम? कैरेक्टरिस्टिक देख रहे थे ना। फर्स्ट क्या था एक्चुअली, हमारे जो लास्ट वाले 3 पॉइंट्स है उसी से जुड़े हुए हैं। क्या था फर्स्ट वाला? प्योरली ऑप्शनल। सेकंड प्योरली ऑप्शनल में क्या आता है? ये आता है बाजू में नहीं तो गन। क्या क्या आता है प्योरली ऑप्शनल में? हाँ शुरू है, शुरू है। आवाज आ रही ना मेरी? बीच बीच में थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है इसलिए पूछ रही थी मैं। साक्षी अंजलि अच्छा सेकंड पॉइंट बता। इंटरनल यूज था। हाँ इंटरनल यूज, उसमें क्या है? ओके ब्लैंक। थर्ड पॉइंट थर्ड क्या था? कनेक्टेड विद फ्यूचर। कनेक्टेड विद फ्यूचर
फोर्थ टेक्निक और सर्विस फंक्शन. हाँ सिलेक्टिव टेक्निक और सर्विस फंक्शन था. ओके फिफ्थ मेन सर्विस फंक्शन 5 पॉइंट थे ना. फिफ्थ वाला सर्विस फंक्शन है. क्या था इस पॉइंट ये पांचों पॉइंट हमने देखे थे इसमें क्या डिस्कस हुआ था हमारा क्या देखा था हमने. एग्रीगेटली क्या देखा था हमने. अरे बताओ ना शॉर्ट फॉर्म में बताओ आपको जैसे आता है वैसे बताओ. अंजलि साक्षी मैं बाहर थी एक इसलिए मेरे को नहीं समझा. साक्षी कितने बहाने करते हो रे तुम लोग बहुत बहाने करते हो. मैम सही में बाहर थी उस दिन. साक्षी आप तो थे ना. शॉर्ट फॉर्म में बताओ मुझे. एनीवे जाने दो ऐसे करते हैं आगे का देखते हैं. पिछला तो हमें कुछ भी पता नहीं है, है ना. कोई बाहर था कोई कहीं था उसको कितना रिवाइज करूंगी मैं. प्रणाली आपको याद है क्या कैरेक्टरिस्टिक. प्रणाली आवाज आ रही क्या मेरी. कैरेक्टरिस्टिक बताओ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की. ओके
गैप होगी क्या ये? अब मैं भी ये बोलूं, मैं भी नहीं थी, मैं भी भूल गई, चलेगा? नो मैम. चलेगा क्या? अब मुझे भी यही बोलना पड़ेगा, मैं भी भूल गई. दो दिन की गैप होगी ना, इसलिए मैं भी भूल गई. एनीवे जाने दो, हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं. मुझे लगा था कि आपको कुछ याद होगा, और ये भी देखना चाहती थी कि कितना समझा. अतर राघवेंद्र का मैं अतर राघवेंद्र मस्ती में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनालिटिकल. ठीक है, एनालिटिकल मीन्स क्या होगा? किसी भी चीज का विश्लेषण करना. अब हम क्या देख रहे हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट एंड कॉस्टिंग. तो इसका विश्लेषण किस तरह से किया जाएगा बता सकते हो? इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूं पहले वाले पॉइंट्स, तो आपको याद नहीं है. ये गाता टंग रहे ना, जैसे हमने देखा है कि हमें क्या करना है, हमारे कंपनी को प्रॉफिट लेना है, बराबर है? हमारे कंपनी के लिए हमको क्या देखना है? प्रॉफिट देखना है. उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारा प्रोडक्ट बेस्ट बना रहे हैं, बराबर. हाँ या ना, ये लिया था हमने इसके पहले. हमने हमारे कंपनी के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारे कंपनी का प्रॉफिट कैसे होगा, उसके लिए हमें क्या क्या करना है, ये सब हम देख चुके हैं. अब हमें क्या करना है? एनालिसिस करना है उसका, कि वो सही तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें कुछ गलतियां हो रही है. अगर कोई गलती उसमें हो रही है तो हमें उसको क्या करना है, क्या करना है? सुधारनी होगी.
गलती सुधारनी है। मी पूर्णच विसरणार आहे। उसके जो डिफेक्ट्स है वो भी हमने निकाल दिए, ठीक है। मेरा ऐसे ही होता है, अगर डिस्टर्ब हो गया ना मुझे तो वो मुझे यही नहीं होता एकदम से। दो मिनट इसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। अगर हमारे कंपनी को अगर नफा हो रहा है या फिर उसमें कुछ प्रॉफिट्स है या फिर क्या बोलते हैं, नफा और तोटा, ये दोनों ही चीज़ें रहती हैं ना। अगर इसमें इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इसका हमें क्या करना पड़ता है, कंपैरिजन करना पड़ता है। क्या करेंगे हम, इसका कंपैरिजन करेंगे, हमें कौन सी चीज में कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है उसका हम कंपैरिजन करेंगे। किस चीज की वजह से हो रहा है उसका भी हम उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, क्या होगा, अरे बताओ ना। अगर हम किसी चीज का एनालिसिस करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है किसी चीज का अगर आप एनालिसिस करते हो तो क्या होता है। अच्छा मुझे बताओ, अगर आपको एग्जाम में कम मार्क्स मिले, ये एग्जाम में आपको कम मार्क्स मिले, पर आपको पता है कि आपको इतने कम मार्क्स नहीं मिल सकते, पर इतने कम मार्क्स क्यों मिले, इसका एनालिसिस आप करोगे, हाँ या ना। हाँ मैम, करोगे ना, कहाँ आपके मार्क्स कट हो गए, आपने क्या, आपकी पढ़ाई कहाँ पे कम हो गई, ये आप देखोगे ना। हाँ। तो ये क्या हो गया, एनालिसिस हो गया। और जहां पे आप कम पढ़ रहे हो वहां पे आप और ज्यादा पढ़ाई करोगे, और ज्यादा मेहनत करोगे। यस मैम। तो यही थिंक हमारी यहाँ पे भी लागू होती है कि हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है कि कहाँ पे हमारा लॉस हो रहा है, कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, किस वजह से हमारा लॉस हो रहा है, क्या क्या खामियां हैं जिसके वजह से हमारा लॉस हो रहा है। तो ये सब देखते हुए हमें क्या करना है, कुछ वेरिएबल्स करने हैं। और उसके वजह से हम क्या क्या कर पाएंगे, हमें क्या होगा, प्रॉफिट के तरफ हमें आगे चलना है, बराबर है, हाँ या ना। हाँ मैम। वो क्या, मुझे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है ना, तो मेरा थोड़ा सा ये हो रहा है, थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं उसको, थोड़ा सा
एकदम ये नहीं हो रहा, जाने दो। और अगर हमें कोई भी, अब जैसे फाइनेंशियल है, अब हम फाइनेंशियल फाइनेंशियल देख रहे हैं, तो जैसे कि हमने देखा कि हमारे कंपनी में क्या प्रोडक्ट्स लगते हैं, उसको क्या कहाँ पे हम प्रॉफिट में है, कहाँ पे लॉस में है, हमें कौन कौन सी चीज़ें हमें लेनी है, कौन सी चीज़ें नहीं लेनी है, तो ये उसका क्या हो गया? मालिश के लिए का पत्ता मजा येते ना? नाही मला अनुभव आहे चांगले, मला चांगले अनुभव आहे, नाही मला खूप चांगला ना अनुभव आहे, हाय माय पाय चलो इतना समझ गया। म्यूट करतो। एक चक्कर विनोदाकडे मारायचा आहे, नाही नाही टप्पूदा सोबत ते विनोदा जाणार आहे। मैम हाँ भैया करा ले बरोबर, अरे तुमच्या सोबतच गडबड करत नाही। ये पॉइंट समझ गया आपको? यस दो मिनट मैं थोड़ा उधर जाके बैठूं, यहाँ पे बैठूंगी तो मुझे ये होगा।
क्लास का पूरी पार्ट लग जाए। वो क्या है, मेरे घर में आए हैं मेहमान और मेरे घर में पेशेंट, वो जा रहा है कल वापस, तो सब सारी चर्चाएं शुरू है, वहां पे बैठूंगी तो आपका क्लास शुरू हो जाएगा। कहाँ तक पहुंचे थे हम? मैं दूसरी जगह आके बैठ गई। हाँ गाथा पढ़ू, कहाँ थे हम लोग? प्रॉफिट, प्रॉफिट का क्या देख रहे थे हम? अगर हमारे इसमें प्रॉफिट या लॉस होता है तो हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के बाद क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हम हमारी कौन सी खामियां हैं, कि हमें कौन से हम कहाँ पे कम हो गए कि जिसके वजह से हमें हमारा प्रॉफिट बढ़ाना है, या फिर हमें वो पूरा जो भी लॉस हुआ है हमारा उसको किस तरह से हमें इंक्रीज करना है। इंक्रीज करोगे ना या डिक्रीज करोगे खुद में, आप क्या करोगे, इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे? इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करेंगे, तो सेम कंडीशन में हमें क्या करना है, सेम कंडीशन हमें वही करना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी हमें यही देखना पड़ता है, और हम इसमें भी यही देखते हैं कि हम कहाँ पे कम हैं और हमें क्या गेन करना है, जो हमारा गोल होता है उसके तरफ हमें किस तरह से जाना है, जो जो प्रॉब्लम्स हुई है उसको किस तरह से फेस करना है और किस तरह से उसको इंक्रीज करना है। ठीक है, अगर और क्या देखना है इसमें, ठीक है इतना समझ गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नो फ्लेक्सिबिलिटी फॉर्मेट। No flexibilized format. अब हमने क्या किया है, हम क्या देख रहे थे कि हमारा प्रॉफिट लॉस कैसे हो रहा है, हमें उसको इंक्रीज कैसे करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, जिसके वजह से क्या होगा, क्या होगा अगर हम किसी फॉर्मूला के साथ चलते हैं तो क्या होता है, रेगुलर अगर हमारी इसमें रेगुलरिटी रहे और कोई हम कोई फॉर्मूला से अगर हम आगे जाते हैं तो उसके हमें क्या होता है, नहीं समझ में आया,
अगर आपने एक फॉर्मेट बना लिया कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इतना टाइमिंग इसके लिए, इसका टाइम इतना टाइम इसके इसका है, इतना टाइम इसका है, अगर हम ये पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं तो इसका फायदा हमें क्या है? इसको फायदा होगा या नहीं होगा? होगा मैम। तो अगर हम निर्धारित यानी कोई भी अगर किसी भी क्या बोलते हैं, अगर हम ऐसे कोई फॉर्मेट बना लेते, सेम फॉर्मेट क्या होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी इस तरह से फॉर्मेट रहता है जिसको प्रोहिबिटेड फॉर्मेट बोलते हैं। तो इसका क्या होगा हम लोगों को, ये यूजफुल होगा ना हम लोगों के लिए, होगा या नहीं होगा? होगा मैम। ये कंपनी के लिए यूजफुल रहेगा कि अगर कोई फॉर्मेट बनाया जाता है कि अब इसमें हम फॉर्मेट किस तरह से बनाएंगे, जैसे मैंने आपको इसके पहले भी बताया है कि मुझे 8 दिन का टाइम दिया गया है, ठीक है, मेरी गारमेंट कंपनी है और मुझे 8 दिन का टाइम है, मेरे से कुर्ती मुझे कुर्ती बनवानी है, ठीक है, कोई भी एक गारमेंट ले लो जो आपको बनानी। अब 8 दिन का हमें एक दिया हुआ है कि 8वें दिन हमें हमारा आगे वाले को उसका प्रोडक्ट चाहिए, तो क्या करेंगे हम, उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो फर्स्ट दिन आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा, आएगा क्या? आया ना? अरे फर्स्ट दिन हमें रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, सेकंड दिन हम क्या काम करेंगे, मेजरमेंट, जो मेजरमेंट चाहिए वो मेजरमेंट से हम क्या करेंगे, लेआउट्स बनाएंगे, डिजाइन बनाएंगे, जो डिजाइन उनको चाहिए वो डिजाइन बनेंगे सबसे पहले, डिजाइन के बाद क्या बनेंगे, ब्लॉक्स बनेंगे, बराबर है, ब्लॉक्स के लिए तो ऑब्वियस है मेजरमेंट लगना ही है, पर मेजरमेंट हमारे पास कौन से है, कंपनी में जो यूज होते हैं उनके पास तो मेजरमेंट रहने ही है, ठीक है। अब मुझे एक नहीं बनाना है, मैं कंपनी के बारे में बात कर रही हूँ, मैं बुटीक के बारे में बात नहीं कर रही, आपका खुद के बिजनेस के बारे में बात नहीं कर रही, हम लोग कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो लेआउट बनेगा क्या बोलते उसको ब्लॉक्स बनाए जाएंगे, ब्लॉक्स से डिजाइन वेरिएशन होगा, डिजाइन वेरिएशन के बाद क्या बनेगा, लेआउट बनेगा, लेआउट बनने के बाद कटिंग होगी, ठीक है, कटिंग के बाद स्टिचिंग स्टार्ट होगा, ये सब लेआउट तक के हमें 3 से 4 दिन लग रहे हैं, तो लास्ट 3 दिन हमने परचेसिंग से लेके लेआउट तक के 3 डेज निकाल लिए, बाकी के कितने दिन रह गए हमारे पास, 8वें दिन हमें प्रोडक्ट देना है, तो हमारे पास कितने 7 डेज है, 3 डेज गए हैं तो 5 डेज बाकी है, 5 डेज में हमें क्या करना है, 4 डेज में हमारा स्टिचिंग कंप्लीट होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, 4 डेज में हमारा पूरा स्टिचिंग कंप्लीट होना चाहिए, और जितना स्टिच हुआ है वो जितना हमारा स्टिच हुआ है उसके बाद क्या आता है, स्टिचिंग के बाद नॉचिंग है, थ्रेड कटिंग रहता है, वो जो छोटे छोटे काम जो भी बाकी रहते हैं वो हमें इस 5th वाले डे में करने,
ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, फोर्थ वाले डे में, फोर्थ वाले डे में कट स्टिचिंग हो गया पूरा, साथ में आधे से ज्यादा नॉचिंग भी हो गया रहेगा, थ्रेड कटिंग है या और कोई प्रॉब्लम है वो सब इसमें हो जाएगा। ये फोर डे में हमें अगर एम्ब्रॉयडरी चाहिए या फिर क्या चाहिए, जो कोई भी वर्क है ये हमें इस फोर डे में पूरा कंप्लीट करना है, एम्ब्रॉयडरी से लेके सब वर्क। और पांचवे दिन क्या होगा, क्वालिटी चेक होंगी सबसे पहले, तो हाफ डे में उसकी क्वालिटी चेक होंगी और उसके बाद वो पैक होगा। तो हाफ डे में हमें वो काम पूरा कंप्लीट करना है, यानी जैसे अगर हमारी कंपनी सुबह 10 बजे स्टार्ट होती है और हमारा ब्रेक है 2 बजे, तो ये जो 10 to 2 का जो टाइमिंग है इसमें हमें क्या करना है, उसकी क्वालिटी चेक करनी है। क्वालिटी चेक हम क्यों करते हैं कि हमारा कोई गारमेंट रिजेक्ट होता है तो हमें डबल से बनाना है, इसलिए हम पहले ही क्या करेंगे, ये फोर डेज में हम क्या करेंगे, अगर फर्स्ट डे हमारे कुछ गारमेंट बन गए तो उसकी क्वालिटी पहले ही चेक होगी, सेकंड डे में अगर जो कोई गारमेंट्स बन रहे हैं उसकी क्वालिटी चेक होगी, एक दिन में तो इतना बनने वाला नहीं है। तो ये हमें क्वालिटी चेकिंग जैसे ही गारमेंट्स बनते हैं, जैसे 50 पीसेस बन गए उसकी क्वालिटी चेकिंग होगी, उसके बाद वो हमें ये फिफ्थ वाला जो डे है वो लास्ट वर्किंग डे रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट वर्किंग डे में ये जो 10 to 2 का टाइमिंग है उसमें हमारा पूरा काम फिनिश होना चाहिए, क्वालिटी चेकिंग से लेके सब, इवन आयन से लेके सब, आयन ये सबसे आयन के बाद पैकिंग होती है, आयन के साथ ही पैकिंग होती है, जैसे आयन होता है उसको पैकेट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये हमें 10 to 2 के टाइमिंग तक के पूरा कंप्लीट करना है, तो उसका पूरा एनालिसिस हमें करना है, किसको हमें किस तरह से कंप्लीट करना है, कैसे करना है, इसका एक पूरा क्या निकालना पड़ेगा हमको, क्या निकालेंगे, फॉर्मेट निकालेंगे, और उसको उस फॉर्मेट को हमें क्या करना है, प्रोहिबिटेड फॉर्मेट क्यों बोला है, निर्धारित समय, वो निर्धारित समय में आपका पूरा कंप्लीट होना ही चाहिए, ठीक है, तभी हमें क्या होगा, अगर हम निर्धारित समय किसी काम के लिए लेते हैं तो हमें उसको प्रॉफिट होगा, नहीं तो हम कहाँ पे जाएंगे, लॉस में जाएंगे लॉस में, हाँ या ना, यस मैम, ठीक है, ये समझ गया अभी। अब नेक्स्ट पॉइंट है सप्लाइज डाटा नॉट डिस्कशन, अब देखो अभी हमें बोला गया है कि हमें इतना पॉइंट एक बार बताओ ना, सप्लाइज डाटा नॉट डिस्कशन, सप्लाइज डाटा नॉट डिस्कशन, ओके मैम, अगर मुझे बोला अगर हमने अभी देखा, सॉरी हमने इसके ऊपर देखा कि हमें कहाँ पे लॉस हो रहा है कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, उसका हमने एनालिसिस किया, उसके बाद हमने क्या किया, प्रोहिबिटेड फॉर्मेट बना के हमने हमारा काम स्टार्ट किया, बराबर है, ये हमने काम किस तरह से किया है ये हम आगे वाले को बताएंगे क्या, बताएंगे क्या, तुम्हाला जर कोणी म्हटलं कि तुम्हाला परीक्षेत तुमचा फर्स्ट नंबर आला
तर तू कशा पद्धतीने अभ्यास केला? तर तुम्ही हे सांगाल की मी रात्रभर जागून केला किंवा दिवसभर केला, रात्री मी इतका वेळ झोप घेतली किंवा इतका वेळ हे केलं, इतका वेळ मी अभ्यासासाठी हा टायमिंग फिक्स केला होता, किंवा हे तुम्ही सांगणार का की मी पाठांतर केलं की मला पाठांतर केलं किंवा मी नुसतं वाचून घेतलं, मी दोन वेळा रिव्हिजन केली, तुम्ही एवढं सांगू शकाल बरोबर? हो मॅम. तुम्ही हे सांगणार का त्याच्यासोबत की मेरी मम्मी मेरे को रोज उठाती थी सुबह, मेरी मम्मी मेरे को चाय बना के देती थी, मुझे कुछ भी बनाना नहीं पड़ा, ये बताओगे क्या? नो मैम. ये आपको बताने की जरूरत है कि आगे वाले को? आप सिर्फ इतना बताओगे कि मैंने ये टाइम तक की पढ़ाई की है और ये उसका फल है, मुझे जो था वो मैंने ये नोट्स पढ़े, मैंने वो नोट्स पढ़े, मैं इतना बताऊंगी. पर मैं एक्स्ट्रा की उनको जानकारी दे सकती हूँ क्या? नो मैम. तो सेम कंडीशन यही है, यहाँ पर भी कंपनी का जो मेन मोटो रहता है, ये जो मेन बातें रहती है, जैसे हमने इसके पहले भी देखा है ना हमने कि जैसे वो बैंक को नहीं बता, बैंक को, बैंक से अगर मैं कर्जा ले रहे हैं तो वो कर्जा देंगे और उसको ये बताएंगे क्या कि हमने ये कैसे निकाला है, बताएंगे क्या हम लोग? तो सेम कंडीशन यही पे है कि हम आपको जो प्रोडक्ट्स है वो हम आपके प्रोडक्ट्स आपको दे रहे हैं, हमने हम आपके प्रोडक्ट्स के लिए क्या यूज किया है ये हम बता रहे हैं क्या उनको? अब मुझे बताओ कि हमने इसके पहले भी देखा है कि जैसे कॉटन का हम लेते हैं, अगर उसमें हमने देखा है कॉटन में कि 4-5 टाइप्स होते हैं हाँ मैम. जो अगर कोई किसी की नीड है कुर्तीज पे ही जाएंगे हम, अगर किसी की कुर्तीज की नीड है और उसने बोला कि मुझे 50 रुपए में कुर्तियां आनी चाहिए, ऐसी कुर्तियां बनवा के दो, तो आप उसके लिए कौन सा रॉ मटेरियल यूज करोगे? फाइन वाला यूज करोगे या लो वाला यूज करोगे? लो वाला यूज करोगे. तो आप उसको ये बताओगे क्या कि आपने कौन सा मटेरियल यूज किया उसके लिए? नो मैम. तो यही इसका मीनिंग है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं वो आप बता सकते हो, पर क्या यूज किया है क्या नहीं किया है, इसलिए बोला है सप्लाइज डाटा, यानी जो है आप आगे वालों को क्या ये करोगे कि हमें फैब्रिक के लिए इतना लगा है और ये हमारा लेबर चार्ज है, कॉस्ट शीट तो आपको देनी पड़ेगी, उनको देनी पड़ेगी ना? यस मैम. इसके पीछे इतना खर्चा लगा है, इतना अदर जो खर्चे वो इतना लगा है, इसका पूरा आपको एनालिसिस उतना ही जाएगा और इतना हमारा हमें इसके ऊपर इतना इतना प्रॉफिट चाहिए, इतना इनकम हमें एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो आपको उतना देगा, हाँ या ना? आपको बिलिंग देना पड़ेगा ना उसको, आगे वाले से पैसे अगर निकालने हैं तो आपको उसको बिलिंग देना ही पड़ेगा. हाँ मैम. आप समझ गया सप्लाइज डाटा नॉट डिस्कशन? हाँ मैम. इसके ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हो क्या कि नहीं, आपने इतने ही कैसे लिए, आप यही कैसे कर रहे हो, ये आप नहीं कर सकते? नहीं मैम. ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? यस मैम.
उसके बाद आते हैं हम लिमिटेशंस। क्या मैम? लिमिटेशंस। आवाज क्लियर नहीं आ रही मैम आपकी। लिमिटेशंस पता नहीं, दो तीन दिन से ना नेट नहीं चल रहा है। ओके मैम। दे रहा है ना फिलहाल। क्या देख रही थी? लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, अब जैसे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एडवांटेज है, उसी तरह से इसकी लिमिटेशंस भी है। अब हमें लिमिटेशंस देखनी है इसके। क्या है इसकी लिमिटेशंस बता सकते हो? मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? वेरियस टाइप्स सर्विस हमें प्रोवाइड करता है, करता है क्या? मैनेजमेंट अकाउंटिंग वेरियस टाइप्स के सर्विस हमें प्रोवाइड करता है या नहीं करता है? करता है मैम। इकड़े है मी। आता मी माझा क्लास घेऊन लागली आहे। थांब ना 5 मिनिट। करता हमें वेरियस टाइप्स के क्या बोला था बीच में आ जाता है, वेरियस टाइप की सर्विस हमें प्रोवाइड करता है या नहीं करता है? अभी हम देख रहे हैं, करता है ना? Yes, ma'am. पर उसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं, होंगे या नहीं होंगे? होंगे मैम। इसके भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। मैं अभी सिर्फ क्योंकि 3 मिनट 2 मिनट में इतना नहीं होगा, मैं सिर्फ नाम बता देती हूँ। ठीक है? ओके मैम। बेस्ड ऑन अदर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, फर्स्ट नंबर, नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट अलग है। बेस्ड ऑन अदर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग के बाद मैम, हाँ, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, सेकेंड मैम, नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड मैम, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ब्लैक की लैक मैम, LACK, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, lack of objectivity. Number 4, developing stage. Time on? Developing stage. Developing stage. Page. Number 5,
कॉस्टली इंस्टॉलेशन, कॉस्टली मैम इंस्टॉलेशन, नंबर सिक्स मैम मैनिपुलेशन, सेवन मैम रेजिस्टेंस फ्रॉम स्टाफ, रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस की है, रेजिस्टेंस फ्रॉम स्टाफ, फ्रॉम स्टाफ, नंबर एट कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच, कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच, अप्रोच, ठीक है, यस मैम इसको हम कल देखेंगे, ओके मैम।